श्री वृंदावन धाम। आज मैं कहां पर आ चुका हूं? आज मैं पहुंच चुका हूं श्री निधि वन में। एक बार अंदर प्रवेश करने से पहले एक प्यारा सा भजन गाएंगे सभी मिलकर। निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे, बोलो निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घन श्याम राधे। अरे श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे 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 घन श्याम राधे राधे। सभी का स्वागत है श्री वृंदावन धाम से। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास जी के डी। आज बहुत ही रोचक, बहुत ही गोपनीय, बहुत ही मधुर स्थान पर पहुंच चुका हूं मैं। आज हूं मैं श्री हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कहां से आप? अच्छा अच्छा अच्छा, जय हो राधे राधे। हां जी, सब साथ में है। अच्छा चलो चलो, श्रील प्रभुपाद की जय। मैं लाइव अभी कर रहा हूँ प्रभु जी, ठीक है। जय। तो मैं कह रहा था जिनके कारण हम आए हैं, जिनके कारण हम आए उनकी भी तो जय बोलेंगे हम। तो यहाँ पर इस समय मैं निधि वन में पहुंच चुका हूँ और ये स्थान बहुत ही गोपनीय, बहुत ही रोचक है। मैं आपको जरा, यस आई एम ओवर हियर निधि वन। यहाँ के अंदर जो वृक्ष हैं उनके दर्शन हम सभी मिलकर करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, शोर है। निधि वन के अंदर जो वृक्ष है, आज तक उनकी जो महिमा है कोई नहीं गा पाया है। निधि वन के अंदर हम थोड़ा सा क्लोज जाकर दर्शन करेंगे। ये वही स्थान है जहाँ पर स्वयं श्री हरिदास जी ने श्री बांके भी हरिलाल जी को प्रकट किया था। तो वो स्थान मैं आपको अभी दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर अगर आप देख सको, मैं आपको दिखाता हूँ हम किन किन पवित्र स्थली के दर्शन करेंगे। हम यहाँ पर ललिता कुंड के दर्शन करेंगे। श्री बांके बिहारी जी का प्रकट्य स्थल अंदर है निधि वन में। यही स्थान है जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध, सारे के सारे संसार से लोग आते हैं श्री बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। लेकिन ये निधि वन है और इसी के अंदर ठाकुर, हाँ जी हाँ जी, एक मिनट प्रभु जी। इस निधि वन के अंदर ही श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। सो यू हैव टू स्टे टिल दी एंड टू टेक दीज दर्शन्स। बिल्कुल भी आप अपने पलके भी ना, मैं तो बोलूंगा झपकाएं, जस्ट स्टे टिल दी एंड आई विल गिव यू वेरी अमेजिंग रेयर दर्शन्स। तो बांके बिहारी जी के प्रकट स्थली के दर्शन करेंगे हम। साथ साथ यहाँ पर श्री राधा रानी जी का श्रृंगार घर, यहाँ पर रंग महल है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, बाकी मैं अंदर जाके बताऊँगा। यहाँ पर रंग महल है जहाँ पर श्याम सुंदर कृष्ण अपने हाथों से क्या करते हैं, किशोरी जी राधा रानी को क्या करते हैं, सजाते हैं, फिर रास मंडल की ओर लेके जाते हैं। यहाँ पर वंशी चोरी राधा रानी का एक मंदिर है। वंशी चोरी राधा रानी मंदिर का मतलब पूरे संसार में सिर्फ एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ पर किशोरी जी राधा रानी क्या करती है, अपने हाथ में बांसुरी पकड़ती है। क्योंकि राधा रानी बांसुरी से थोड़ी सी क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है कि ये तो 24 घंटे मेरे श्याम सुंदर के हाथ में लगी रहती है। तो वो कृष्ण श्याम सुंदर की बांसुरी को चुरा लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। तो वो मंदिर का नाम है वंशी चोरी राधा रानी। उनके भी दर्शन हम अंदर अभी करेंगे। इस समय आपका दास गोविंद कृष्ण दास श्री वृंदावन धाम से निधि वन से आपको दर्शन दे रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको दर्शन, जस्ट वन मिनट, अगर आप एंड तक जुड़े रहे, श्री स्वामी हरिदास जी के समाधि स्थली के दर्शन भी मैं आपको करवाऊंगा। चलिए अंदर चलते हैं, आइए आइए जल्दी आइए। मास्क पहनो, मास्क थोड़ा सा डिस्टेंस। चलो राधे राधे, राधे।
ठीक है, थैंक यू। चलिए चलिए, इन सभी भक्तों को ये पूरे संसार से देख रहे हैं ना, उनको भी दर्शन कराने हैं कि नहीं कराने हैं? हाय, आप भी वीडियोस देखते हो? अरे थैंक यू, हरि बोल, राधे राधे। चलिए अब मैं आपको निधि वन के अंदर लेके जा रहा हूँ, श्री बांके बिहारी जी के प्रकट स्थली श्री हरिदास जी की समाधि के हम दर्शन करेंगे, उन वृक्षों का दर्शन करेंगे। यहाँ पर 16,108 वृक्ष हैं जो स्वयं ठाकुर जी की गोपियाँ हैं। आप वृक्षों का दर्शन करोगे, ये वृक्ष को कोई जल नहीं देता है, इन वृक्षों को, इन लता पताओं को कोई भी जल की, सूर्य के किरणों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी के जो चरणों की रज है, जो अंदर निधिवन में है, उनसे ही वो पोषित हो जाती हैं। आपने सुना तो होगा, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात राधे राधे होई। चलिए चलते हैं हम निधिवन के अंदर। अत्यंत ही गोपनीय, रोचक, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, निधिवन में रात को एंट्री नहीं होती है क्या? अगर कोई अंदर चले जाता है तो क्या उनकी आंखें चली जाती है? बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें हैं जो लोगों के दिमाग में हैं, आज मैं सारी क्लियर करूंगा। एंड नाउ वी आर एंटरिंग इन द ग्रोव्स ऑफ श्री कृष्ण एंड श्रीमती राधा रानी'स पर्सनल गार्डन। दिस इज वेयर श्री कृष्ण एंड श्रीमती राधा रानी Do their Ras Leela. You are watching this live from Nidhivan. Jai Jai. संगीत सम्राट रसिक शेखर स्वामी श्री हरिदास जी की ये साधना स्थली रही है, स्वामी जी और अन्य अनेक आचार्यों की समाधि भी यही है, यहाँ विद्यमान है। स्वामी जी ने जीवन प्रयत्न इसी वन में निवास किया था। जनश्रुति के इस रमणीक वन स्थली में श्री कृष्ण राधा रानी ने विभिन्न क्रीड़ाएं करी हैं। चलिए मैं अब आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। प्रेम से राधे राधे कमेंट करिएगा और सुंदर सुंदर भजन गाते हुए हम दर्शन करेंगे अत्यंत ही मधुर, पावन, मंगलमय श्री निधिवन जी के। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, पहले तो ये ऐसा बैरिकेड नहीं लगा हुआ था, खुले खुले दर्शन होते थे। मैं अगर आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं, आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो वृक्ष हैं, जो बिल्कुल आपस में मुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे वृक्ष जो हैं, ये मामूली वृक्ष नहीं है, ये मामूली वृक्ष नहीं है, ये साक्षात गोपियां हैं, अनेक ऋषिगण हैं, संत हैं, जो ठाकुर जी के रासलीला में प्रवेश करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए यहाँ इस पवित्र निधिवन में क्या बन गए हैं, लताएं बन गई हैं, यहाँ पर वृक्ष बन गए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो वृक्ष हैं ये आपस में मुड़े हुए हैं। जय जय, क्या आनंद है वृंदावन का। अरे ये भी देख रहे हैं कैमरा में। तो मैं कह रहा था 16,108 यहाँ पर वृक्ष हैं, इन वृक्षों की महिमा कोई नहीं आज तक गा पाया है, इन वृक्षों को कोई आज तक समझ नहीं पाया है, लेकिन थोड़ी सी महिमा मैं अगर आपको बताऊं, ये वृक्ष, इनकी जड़ तो एक है, नीचे से ये इनकी जड़ एक है, लेकिन जैसे ये ऊपर जाते हैं ये अनेक जड़ के हो जाते हैं, अंदर से ये खोखले हैं, इनको कोई जल नहीं डालता है, है ना, सूर्य की किरण की इनको आवश्यकता नहीं है, अंदर से खोखले होते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से ये हरे भरे रहते हैं। निधिवन से ये एक्सक्लूसिव दर्शन आपको मिल रहे हैं। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास आपको निधिवन में अंदर प्रवेश करा रहा हूँ। वृंदावन में 12 वन है, अनेकों अनेक वन से बना हुआ है श्री वृंदावन धाम, जैसे कि ताल वन, जैसे कि लोहार वन, घेवर वन, है ना, और काम्य वन। इस समय हम श्री निधिवन में दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर भांकी बिहारी जी प्रकट हुए थे। श्री हरिदास जी ने अपने संगीत के माध्यम से श्री बांके बिहारी लाल जी को अपने हृदय से प्रकट किया था। राधा और कृष्ण एक होकर श्री हरिदास जी को इसी स्थान पर मिले थे। अभी मैं आपको वो दर्शन कराने वाला हूँ। श्री बांके बिहारी जी के प्रकट स्थली की ओर हम जा रहे हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। और देखिए, मैं आपको बता रहा था कि वृंदावन के वृक्ष के मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधा राधा होई। इन वृक्ष, ये जो वृक्ष हैं, ये 16,108 गोपियां हैं। मैं आपको बता रहा था रात के समय इस स्थान में क्या हो जाता है, वैसे तो 9 ताले लग जाते हैं, हम जब रंग महल में जाएंगे ना,
जिस स्थान पर श्री कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। रात को 9 ताले लगा देते हैं उस दरवाजे को, और ये सारे के सारे वृक्ष जो हैं ये गोपियों का रूप धारण करते हैं, और यहीं अंदर रासमंडल है, और रासमंडल में सारे के सारे ये वृक्ष गोपियों का रूप धारण करके प्राण प्रियतम युगल सरकार श्याम सुंदर और श्रीमती राधा रानी के संग क्या करते हैं, रासलीला करते हैं। श्री राधिका और श्री कृष्ण के इस रासलीला में प्रवेश करने के लिए देवी देवताएं भी तरसते हैं, स्वयं भोलेनाथ जी स्वयं महादेव भी क्या बन गए, गोपी बन गए, क्योंकि किसी भी पुरुष की एंट्री इस निधिवन में बिल्कुल भी नहीं है। शिव जी को भी गोपी बनना पड़ा, ललिता सखी ने क्या किया, उनको यमुना जी में स्नान करवाया, और फिर जब महादेव बाहर आए तो वो गोपी बने, तब जाके उनको इस निधिवन के अंदर एंट्री मिली है। आइए संप्रेम से हम आनंद से कीर्तन करते हुए निधिवन की ओर अंदर चलते हैं। ये दिस इज दी पर्सनल गार्डन, दी पर्सनल प्लेस वेयर श्री कृष्ण एंड श्रीमती राधा रानी परफॉर्म दी रास लीला। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू श्री वृंदावन धाम, टू द मोस्ट सीक्रेट मोस्ट ब्लिसफुल ऑस्पिशियस। श्री राधिका मा नवयोर पारा माधुर्य लीला सो स्वीट गुण रूप नमना प्रतीक्षणात् स्वान ध्वनलोलुपास्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री राधिका मा नवयोर पारा माधुर्य लीला, श्री राधिका और श्री कृष्ण की मधुर लीला है, तो केवल हम अपने गुरु महाराज के चरणों की कृपा प्राप्त कर ही हमें ये सुलभ हो सकती है। प्रतीक्षणात्मन ध्वनलोल उपास्य वंदे गुरु श्री चरणार वृंदम। अपने अपने गुरु महाराज जी की आप स्मरण करें, गुरु की कृपा के कारण हम निधिवन को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं श्री बांके बिहारी जी के प्रकट स्थली से, यहाँ पर गोस्वामी जी यहाँ पर विराजमान है, गोस्वामी जी के मुखारविंद से हम शब्द सुनेंगे, दो प्रभु जी सभी को आशीर्वाद देंगे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। गोस्वामी जी इस समय हजारों भक्त आपको सुन रहे हैं, आप कृपया सभी को आशीर्वाद दें और इस पवित्र स्थली के बारे में कुछ बताएं। यही है बांके बिहारी जी का प्रगट स्थल, यहीं से बांके बिहारी जी प्रगट हुए। अच्छा, इसी स्थान पर हरिदास जी ने, इसी स्थान पर हरिदास जी ने 12 साल तपस्या की। 12 साल तो बांके बिहारी जी इनकी गोद में आके बैठे, उनकी गोद में आ गए थे, इनकी गोद में आके बैठे, इसी रूप में आए थे, जो रूप में अभी हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यहाँ 7 बजे के बाद बंद हो जाता है, 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद बंद हो जाता है, हमसे पहले बंदर चला जाता है, आपसे पहले बंदर चला जाता है, बंदर चला जाता है, हम लोग से पहले बंदर चला जाता है, मंकी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, मंकी, ठीक है, ठीक है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। अभी अभी गोस्वामी जी ने हमें बताया, और मैं भी आपको दर्शन कराता हूँ, क्लोज, वेरी क्लोज होकर, बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं ये दर्शन, इट्स नॉट अलाउड, बट ठीक है, और बहुत सारे यात्री भी आ रहे हैं। अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगा श्री बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी जी के प्रकट स्थलीय 12 साल तक श्री हरिदास जी ने क्या की थी, तपस्या करी थी, और उनके गोद में जो आप बांके बिहारी जी के दर्शन करते हो ना, करोड़ों करोड़ों लोग तड़पते हैं कि एक बार बांके बिहारी लाल जी के दर्शन हो जाएं। इस स्थान पर बिहारी जी प्रकट हुए थे श्री हरिदास जी के गोद में, उन्होंने 12 साल तक तपस्या करी थी, और इस स्थान पर श्री बांके बिहारी लाल जी को अपने संगीत से क्या किया था, प्रकट किया था। अब मैं बोलूंगा नहीं, आपको दर्शन के लिए लेके जाता हूँ, प्यारे प्यारे बांके बिहारी जी को रिझाने के लिए भजन गाएंगे और आप दर्शन कीजिएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं कि श्री हरिदास जी के गोद में राधा एंड कृष्ण बोथ केम इन द लैप ऑफ श्री हरिदास जी, बिकॉज ही वाज डूइंग ऑस्टेरिटी फॉर 12 इयर्स, तो उनकी गोद में प्रकट हुए, फिर बाद में एक बन गए, और वो बिहारी जी के दर्शन आपको होते हैं, बांके बिहारी जी हैं वो। इसी पवित्र मंगलमय स्थान पर प्रकट हुए श्री बांके बिहारी लाल जी की जय हो। प्रेम से आनंद से अपनी अपनी प्रार्थनाएं प्लीज कमेंट करें,
एंड जस्ट प्रे इन द लोटस फीट ऑफ श्री हरिदास जी. श्री हरिदास जी के कारण ही हम पूरे संसार को बांके बिहारी जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं. बांके बिहारी दे दो सहारा, बांके बिहारी दे दो सहारा, बांके बिहारी दे दो सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा. श्री हरिदास जी ने 12 साल तपस्या कर अपनी गोदी में अपने संगीत के माध्यम से सुंदर सुंदर भजन गाकर, मैं अभी आपको लेकर जाऊंगा जहां पर उन्होंने 110 मेन पद गाए हैं. आज भी वो दीवारों पे इंगित हैं, उनके दर्शन कराऊंगा मैं आपको. हरिदास जी ने 110 पद लिखे हैं और उन पद को सुनकर श्रवण कर तानसेन के गुरु हुए हैं श्री हरिदास जी. अकबर भी एक बार यहाँ पर हरिदास ठाकुर हरिदास जी के भजन सुनने आया था. आइए आगे बढ़ते हैं. ये है श्री बांके बिहारी लाल जी की प्रकट स्थली श्री निधिवन में आप दर्शन कर रहे हैं. चलिए मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ. बिल्कुल ठीक मेरे पीछे है श्री बांके बिहारी लाल जी की प्रकट स्थली. एक बार क्या हुआ, और श्री हरिदास जी ने यहीं पर उपस्थित होकर उनको प्रकट किया था. एक बार क्या हुआ, अकबर, यू नो दैट ग्रेट मुस्लिम रूलर द अकबर, अकबर ने क्या किया, उनके सभा में तानसेन संगीत गाते थे. तानसेन है शिष्य श्री हरिदास जी के. श्री हरिदास जी जब गाते थे ना, ओ माई गॉड, दी स्टोन्स, पत्थर पिघलने लग जाते थे, जो नदी है वो रुक जाती थी, सभी देवी देवताएं भी श्री हरिदास जी के क्या करते थे, वो उनके भजन सुनने लग जाते थे. तो एक बार क्या हुआ, अकबर ने कहा तानसेन को कि तुम इतना सुंदर गाते हो. तानसेन का कितना नाम है, तानसेन जी का कितना नाम है संगीत में ना. उन्होंने अकबर से कहा, अकबर ने उनसे कहा कि तुम इतना प्यारा गाते हो, इतना मधुर गाते हो, अगर तुम इतना सुंदर गाते हो तो तुम्हारे गुरु कितना अच्छा गाते हो गाते होंगे, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने क्या करो. वाह भैया, शीशे कम पड़ गए थे. क्या बात है. तो मैं कह रहा था आपको कि अकबर ने क्या कहा कि अगर आप इतना सुंदर गाते हो तो आपके गुरु कितना सुंदर गाते होंगे, मैं चाहता हूं कि आप अपने गुरु को बुलाकर लेके आओ इस सभा में, मैं उनको मिलना चाहता हूं. तानसेन जी ने कहा कि आप ये क्या बोल रहे हैं, श्री हरिदास जी वृंदावन कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, उनका तो हृदय, उनके तो प्राण धन है श्री बांके बिहारी लाल जी, आपको चलना पड़ेगा वृंदावन. तो अकबर क्या करते हैं, वो यहाँ इस स्थान पर आते हैं और श्री हरिदास जी के नतमस्तक भी होते हैं और श्री हरिदास जी को क्या करते हैं, आकर एक इत्र भी देते हैं. तो निधिवन में लोग क्या करते हैं, वो इत्र भेंट करते हैं, परफ्यूम इत्र गिफ्ट करते हैं यहाँ पर आकर. आज भी जब आप प्रवेश करते हो ना निधिवन के अंदर, एक अलग सी खुशबू आती है, वो उसी इतर की है जो आज भी ठाकुर जी को लगाई जाती है. ठीक है, तो जब वो श्री हरिदास जी के दर्शन करने लग जाते हैं तो श्री हरिदास जी से कहते हैं कि मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ. श्री हरिदास जी कहते हैं आप केशी घाट में ना 3 सीढ़ियाँ लगवाइएगा. तो वो सोचते हैं मैं अकबर हूँ और मेरे को इतनी छोटा सा काम दे रहे हैं, अरे मैं तो पूरा इस पूरे शहर को सोने से जड़ सकता हूँ, सिर्फ 3 सीढ़ियाँ सोने की, सिर्फ 3 सीढ़ियाँ बनाने के लिए बोल रहे हैं. खैर, जब अकबर जाते हैं केशी घाट तो वहाँ जाकर देखते हैं कि पूरा का पूरा केशी घाट जो है, वो जो सीढ़ियाँ हैं वो सारी की सारे ऊपर से लेकर नीचे तक सोने की बनी होती है, सोने की सीढ़ियाँ. लास्ट की जो 3 सीढ़ियाँ हैं वो थोड़ी टूटी होती हैं. अकबर हैरान हो जाता है, वो कहता है कि भैया मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं 3 सीढ़ियाँ सोने की भी लगवा दूं. वो समझ जाते हैं कि श्री हरिदास जी कोई मामूली कोई संत नहीं है, श्री हरिदास जी सच ए प्योर डिवोटी, उनको ललिता सखी का अवतार कहा जाता है. श्रीमती राधा रानी की दो प्रिय सखी हैं, ललिता और विशाखा. ललिता सखी जो हैं, श्री हरिदास जी स्वयं ललिता सखी की क्या हैं, वो उनकी स्वरूप है, उनका ही अवतार माने जाते हैं.
चलिए मैंने आपको अभी श्री बांके बिहारी लाल जी के प्रकट स्थली के आपको दर्शन करा दिए हैं। अब मैं आपको लेके जाता हूँ रंग महल। रंग महल वो पवित्र अलौकिक वंदनीय पूजनीय माधुर्य स्थान है जिस स्थान पर स्वयं कृष्ण अपने हाथों से श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार करते हैं जब वो उनको रासलीला में लेके जाने वाले होते हैं। कृष्णा हिमसेल्फ डेकोरेट्स श्रीमती राधा रानी इन दी रंग महल, जिनके दर्शन मैं आपको अभी कराऊंगा। वो श्रीमती राधा रानी के विश्राम स्थली भी है, शी ऑल्सो टेक्स रेस्ट ओवर देयर। अब थोड़ा अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ और क्या 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 होता है वहाँ पर। वहाँ पर ये जो आपने बात सुनी है ना कि रात को लड्डू रखे जाते हैं, रात को पान वहाँ पर रखे जाते हैं, दातून रखा जाता है, और सुबह जब वो ताले खोलते हैं ना, वो सारा का सारा इधर उधर हो रखा होता है, सारा का सवार सामान। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ रंग महल का, ठीक है जी। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। चलिए आप प्रेम से निधिवन के वृक्षों का दर्शन कीजिएगा। जैसे मैं कह रहा था, निधिवन में जो वृक्ष हैं ये 16108 हैं। ये 16108 मामूली वृक्ष नहीं है, ये स्वयं 16108 गोपी हैं जो रात को क्या बन जाती हैं, सखियां, गोपियां। और श्री ठाकुर जी का यहाँ पर रासलीला होता है इस निधिवन के अंदर। ये देखिए, जड़ एक होती हैं, फिर ऊपर जाते हुए अलग अलग जड़ें निकल जाती हैं, अंदर से खोखले होते हैं, इनको कोई पानी नहीं डालता। ये सिर्फ ये श्याम सुंदर और किशोरी जी के ये जो मिट्टी है ना, जो रज है, ब्रिज रज, ये श्याम सुंदर और राधा रानी के चरणों की रज से ही पोषित हो जाते हैं। इनको कोई जल नहीं डालता अलग अलग से 16108। और आज भी द्वारपर युग की बात है, 5000 साल से ये वृक्ष खड़े हुए हैं, क्योंकि ये मामूली वृक्ष नहीं है, ये स्वयं गोपियाँ हैं, संत रसिक वैष्णव हैं, जो श्री ठाकुर जी के रासलीला में क्या करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस प्लेस फॉर दर्शन, श्री निधिवन इन श्री वृंदावन धाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री राधा और माधव, राधा और कृष्ण इन्हीं निधिवन के कुंजों में क्या करते हैं, विहार करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ, दीज आर गोपीज, दीज आर संत रसिक वैष्णव, गोपी जन वल्लभ गोपियां, गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। चलिए अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ, वैसे अलाउड नहीं है लेकिन थोड़ी दूर से प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे अब, श्री प्रिय प्रियतम का रंग महल के दर्शन करेंगे। दैट्स ओवर देयर इनसाइड। मैं अभी आपको बताता हूँ रंग महल की महिमा, आप फटाफट दर्शन कर लो प्रेम से, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप सुनिए, मैं आपको जो दर्शन कराऊंगा वो है प्राण प्रियतम युगल सरकार का रंग महल। ये निधिवन का सेंटर है, दिस इज दी हार्ट ऑफ निधिवन। इस स्थान पर, यहाँ पर अंदर जो दर्शन हो रख जो दर्शन मिलते हैं आपको, चांदी का बेड बनाया हुआ है श्री ठाकुर जी का, चांदी का बेड है, इन विच श्रीमती राधा रानी, यू नो, शी टेक्स रेस्ट वे श्री कृष्ण एंड श्रीमती राधा। दिस इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल, ये हर कोई समझ नहीं सकता है।
गोस्वामियों ने, हमारे गोस्वामी ने हमें क्या कहा है, गोपीर भृत पद कमलयो दास 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 अनुदास। जब तक हम गोपियों के चरणों की रज नहीं लेंगे अपने मस्तिष्क पर, जब तक हम गोपियों के दास नहीं बनेंगे, दास के दास के दास, हमें श्री वृंदावन धाम, हमें राधा और कृष्ण की निजी लीला है, पर्सनल अफेयर्स नहीं समझ में आने वाली है। तो रंग महल इस समय मेरे बिल्कुल सामने है। इस स्थान पर अंदर एक चांदी का बेड है जिसमें प्राण प्रियतम युगल सरकार विश्राम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अंदर पान रखा जाता है, रात को लड्डू रखा जाता है, एक मटकी में पानी रखा जाता है ठाकुर जी या किशोरी जी को जब प्यास लग जाएगी। अंदर 16 श्रृंगार श्रीमती राधा रानी के लिए, साड़ी चूड़ी सिंदूर सब अंदर रखा हुआ है, ताकि श्रीमती राधा रानी 16 श्रृंगार करती हैं अपना, ये भी अंदर है। और तो और रंग महल के अंदर यहाँ पर दरवाजा जो है सामने, इसको 9 ताले लगाए जाते हैं। प्लीज हियर मी वेरी केयरफुली, आई एम राइट नाउ इन निधि वन इन श्री वृंदावन धाम, सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ रंग महल, द सेंटर, द हार्ट बीट ऑफ निधि वन। ओवर हियर द डोर्स आर लॉक्ड विद 9 लॉक्स, तो 9 ताले लगाए जाते हैं। लेकिन जब सुबह दर्शन खुलते हैं, तो मैं गोस्वामी जी से भी निवेदन करूंगा, दूर से उनसे थोड़ा सा आशीर्वाद लूंगा, जब सुबह ताले खुलते हैं तो ठाकुर जी का दातुन भी रखा जाता है, वो अपने आप इधर उधर बिखर जाता है। यहाँ पर जो लड्डू है वो आधे खाए होते हैं ठाकुर जी ने। इट स्टिल हैपेंस, दिस इज सच ए बिग मिरेकल कि आज भी श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी निधि वन में आते हैं, रात को रासलीलाएं करते हैं। तो कभी लड्डू खाया होता है, कभी दातुन यहाँ पर उनका झूठा रखा होता है, ताले खुले मिलते हैं। ये सारे के सारे निधि वन में ऐसे ऐसी मिरेकल्स, ऐसे ऐसी लीलाएं होती रहती हैं। यहाँ पर आसपास बहुत सारे घर भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें रात को बांसुरी की आवाज़ आई थी, कुछ लोग कहते हैं हमें रात को पायलों की आवाज़ आने लग गई थी। अंदर कोई नहीं आ सकता 7 बजे के बाद, राइट। लेकिन इस समय रंग महल में बिल्कुल सामने मैं बैठा हूँ, आपको थोड़े दूर से दर्शन कराता हूँ। श्री बांके भी हरिलाल की जय, युगल सरकार की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। तो आप देखो, मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा, ठीक है, और आप युगल सरकार के दर्शन करना, और इफ़ इट्स पॉसिबल यू कैन सी द बेड ऑल्सो, चांदी का जो बिस्तर है, 16 श्रृंगार अंदर रखे हुए हैं। रखने के बाद मंदिर से 7 ताले और जंजीर लगा दी जाती है। समय जैसे ही जंजीर आपके सामने खुलती है तो आदमी राधा रानी का श्रृंगार प्रेम हो जाता है। चबा हुआ लड्डू, की हुई दातुन, चबा हुआ पान, राधा रानी का फैला हुआ श्रृंगार प्रतिदिन पाया जाता है। प्रतिदिन नया नया श्रृंगार रखते सुबह आके देखते यूज करा हुआ मिलता है। बोलो राधा रानी की जय, पाके बिहारी लाल की जय, ताली बजाओ और एक बार असल हुआ। अरे गोस्वामी जी ने बोला है ताली बजाओ और एक बार हंसो जोर से। जय हो जय हो। गोस्वामी जी ताली बजाओ और हंसो, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ ठाकुर जी ने हंस के लीला की थी, हंस के लीला की थी, इसलिए ठाकुर जी भी ये कहते हैं हंसो और हंसाओ। अच्छा, ठाकुर जी कहते हैं हंसो और हंसाओ, क्योंकि ठाकुर जी ने यहाँ पर हंस हंस कर प्रेम से लीलाएं करी थी। यहाँ पर आकर ताली बजाओ और प्रेम से हंसो। ठीक है जी, मैं तो हंस रहा हूँ, आप भी हंसो, ठीक है, जहां जहां से भी आप मेरे को देख रहे हो। श्री निधि वन में, वृंदावन में आकर बड़े से बड़े बड़े मायूस चेहरे भी क्यों हो जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। एक लास्ट टाइम फटाफट आप देख लो, मैंने तो देख लिया, आपको देखा कि नहीं देखा, चांदी का यहाँ पर सामने चांदी का बिस्तर है, और अंदर प्राण प्रियतम के दर्शन है, चूड़ियाँ रखी हुई हैं, पान रखे हुए हैं, लड्डू रखे हुए हैं, ठाकुर जी का टूथब्रश दातुन रखा हुआ है। 9 ताले लग जाते हैं इस दरवाजे को। 7 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं होती है, क्योंकि इस स्थान पर निधि वन में, ये जो आप देख रहे हो 16108 जो वृक्ष हैं, ये सारी के सारी गोपियाँ सखियाँ सहचरियाँ बन जाती हैं। और अब मैं आपको लेकर चलूँगा रास मंडल, रात के समय श्री राधा और श्याम सुंदर प्रेम से रास लीला करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो कर्टन्स लगे हुए ना अंदर, अगर आप इनको हटाओगे ना, दीवारों पे क्या लिखा हुआ है, केली माल, श्री हरिदास जी ने 110 पद में
युगल सरकार की वंदना करी है, बड़े बड़े सुंदर गीत गाए हैं, तो आज भी अंदर मंदिर के केली माल के जो पद हैं 110 पद वो यहाँ दीवारों पे लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको रास मंडल की ओर लेके जाता हूँ। पहले गोबर मिट्टी का बना हुआ था, अभी स्मेल है। मंदिर से सात ताले लगते हैं, सुबह आते हैं यूज करा मिलता है। बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय हो। ओ कृष्णा, आनंद ही आनंद आ गया। ओ निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कितना रहस्यमय, कितना गोपनीय स्थान है निधिवन। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। मैं आपको बता चुका हूँ निधिवन के जो वृक्ष हैं ये 16108 हैं। इनकी जो जड़ें हैं एक हैं, लेकिन ऊपर जाके कई जड़ों के हो जाते हैं। ये कभी बढ़ते नहीं हैं, कभी छोटे होते नहीं हैं। इनको कोई जल नहीं डालता है अलग से, ना इनको सूर्य के किरणों की ज़रूरत है। ये श्री राधा और श्याम सुंदर जब रात को रासलीला करते हैं, उनके चरणों की जो रज है, ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, हम मिट्टी नहीं कहते हैं, रज कहते हैं, उसी रज से ये क्या हो जाते हैं, पोषित होते रहते हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं। आज से नहीं खड़े हुए हैं ये द्वार पर युग, इट्स बीन मोर देन 5000 ईयर्स अगो। जस्ट लुक एट दिस डिवाइन ट्रीज, दे आर नॉट इवन ट्रीज, दे आर गोपीज, दे आर सेंट्स, रसिक सहचरियां, गोपियां, सखियां, जो अब कुछ समय बाद थोड़ी देर में सारी के सारी, जस्ट इमेजिन क्या होगा यहाँ पर, ये सारे के सारे गोपियों का रूप धारण कर लेंगे और यहाँ पर रासलीला होगी ठाकुर जी की। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना। अब रास मंडल की ओर लेके चलता हूं मैं। हो यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना। और ये पूरे संसार का सबसे गोपनीय, सबसे पवित्र, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल प्लेस रास मंडल। दिस इज द प्लेस वेयर श्रीमती राधा रानी एंड श्री कृष्ण परफॉर्म देयर डांस द रास लीला। इस स्थान में प्रवेश करने के लिए, बाहर से अंदर तक आने के लिए, स्वयं महादेव भोलेनाथ जी को गोपी बनना पड़ा। ही हैड टू बिकम ए गोपी। ये जो है ये रास मंडल का श्री राधा और कृष्ण के बैठने का सिंहासन है। रात को क्या होता है यहाँ पर, श्याम सुंदर पहले तो किशोरी जी को सजाते हैं, वहाँ से रंग महल में सजा कर लेके आते हैं। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको दर्शन कराए रंग महल के, तो श्याम सुंदर किशोरी जी को सजाते हैं रंग महल में, और किशोरी जी तैयार होती हैं ललिता विशाखा जी के साथ, यहाँ पर आती हैं। अब क्या होता है, सारी की सारी अष्ट सखियां ललिता विशाखा तुंग विद्या इंदुलेखा रंग देवी सुदेवी, ऐसे आठ जो मेन जो सखियां हैं, वो श्री ठाकुर जी को, युगल सरकार को, प्राण प्रियतम को यहाँ पर बैठाते हैं, विराजमान करवाते हैं सिंहासन पर। कोई उनको चामर कर रहा होता है, कोई उनको प्रेम से कुछ खिला रहा होता है, और फिर उसके बाद थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, ये सारे के सारे जो वृक्ष हैं, 16108 जो वृक्ष हैं, ये गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। और इस स्थान पर जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ, श्री निधिवन में, श्री ठाकुर जी रासलीला प्रारंभ करते हैं। इस रासलीला में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, नंद बाबा भी नहीं आ सकते हैं, यशोदा मैया भी नहीं आ सकती हैं, ठाकुर जी के ग्वाल बाल भी नहीं आ सकते हैं, ठाकुर जी के गैया भी नहीं आती हैं, यहाँ तक कि ब्रज कोई भी ब्रजवासी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। स्वयं देवों के देव महादेव आना चाहते थे इस रासलीला में, एंट्री में रोक दिया गया कि भैया यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ गोपियों का प्रवेश है इस रास मंडल रासलीला में। भगवान शिव जी ने कहा मेरे को तो दर्शन करने ही करने हैं, मेरे से रहा नहीं जाता है। तो ललिता जी ने कहा कि आपको अपना
लिंग परिवर्तन कराना पड़ेगा. यू हैव टू चेंज योर जेंडर फ्रॉम मेल टू फीमेल. इफ यू वॉन्ट टू सी रासलीला यू हैव टू बिकम ए गोपी. तो महादेव ने कहा कोई बात नहीं, मेरे को ठाकुर जी की, मेरे को श्याम सुंदर कृष्ण की रासलीला के दर्शन करने हैं. तो अब वो क्या हो जाते हैं, उनको ललिता सखी एक गोपी बना देती हैं. उनके नाक में नथिनी पहनाई जाती है. आज भी वृंदावन धाम में गोपेश्वर महादेव के दर्शन आप कर सकते हैं. संसार में केवल एक शिवलिंग है जहाँ पर शिव जी को नथनी पहनाई जाती है और उनको चुनरी पहनाई जाती है, उनको चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, गोपी बनते हैं. तो भगवान शिव जी जब गोपी बने तो इसी रास मंडल में, इस रासलीला में जब उन्होंने प्रवेश किया तो हमारे श्याम सुंदर, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी समझ गए, लग रहा है आज तो कोई नया व्यक्ति आया हमारे रासलीला में, ये तो हमारी गोपियों में से, हमारी सखियों में से, हमारी मंडली में से तो है नहीं. तो ठाकुर जी ने ऐसे तिरछी नजरों से देखा तो समझ गए ये तो देवों के देव महादेव है. बड़े प्रसन्न हुए, बड़े मुस्कुराए और सभी गोपियों को कहा कि सभी इनको क्या करो, प्रणाम करो, ये आप सभी को भक्ति प्रदान करने वाले हैं. मैं इनका नाम रखता हूँ गोपेश्वर महादेव, जो गोपियों के भी ईश्वर है. तो आज भी आप गोपेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं श्री वृंदावन धाम में. ये सुलभ है, कोशिश करता हूँ कि आज दर्शन करवाए जाए गोपेश्वर महादेव के. कौन कौन चाहेगा कि आप गोपेश्वर महादेव के दर्शन करना चाहते हैं, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स यस एंड टैप दोस हार्ट्स. ओके, दिस इज रासलीला. वैष्णव और संतों ने यह भी कहा है कि राधा का नाम का अर्थ क्या है. रा का अर्थ होता है रास मंडल और धा का मतलब होता है धावा. वह कन्या जब वो प्रकट हुई थी ठाकुर जी के हृदय से, वो रास मंडल इस स्थान की ओर भागी. शी स्टार्टेड रनिंग, राधा रानी स्टार्टेड रनिंग. तो वो कन्या जो रास मंडल की ओर, यहीं पर स्थान की ओर भागने लग गई, वो है राधा रानी. रा का अर्थ रास मंडल और धावा, धा का मतलब होता है धावा. सो दिस इज द रास मंडल वे श्री कृष्ण एंड श्रीमती राधा रानी परफॉर्म रासलीला. थोड़ा सा कीर्तन करें यहाँ पर बैठ के दो मिनट के लिए, और उसके बाद मैं आपके आपको किस चीज़ के दर्शन कराऊंगा, कौन से पवित्र मंगल में दर्शन कराऊंगा. संसार में केवल एक मंदिर जिसमें श्रीमती राधा रानी ने बांसुरी पकड़ी होती है, बांसुरी चुरा ली उन्होंने ठाकुर जी की हमारी. पहले यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा कीर्तन, आइए सब मिलकर करेंगे. मेरे को जरा देना वो भजन की किताब देना. अगर आपको वो दर्शन करने हैं श्रीमती राधा रानी कैसे ठाकुर जी की बांसुरी चुराती हैं, बिल्कुल दो कदम पे हैं मेरे, बने रहो. सब पहले मिलकर थोड़ा सा भजन करेंगे, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे दो मिनट, और उसके बाद मैं आपको वो दर्शन कराऊंगा. फिर उसके बाद हम चलेंगे श्री हरिदास जी की जीवित समाधि. आज भी जब श्री हरिदास जी ने जब अपनी लीला समाप्त करी थी तो उनकी जो समाधि है वो भी मेरे अभी बिल्कुल थोड़े से आ गई है, दूसरी भजन की बुक, भजन की जो रजिस्टर है ना. लेकिन यहाँ पर बड़ा मन है मेरा, मेरी खुद की इच्छा है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्यारा सा भजन गाऊँ. पहले तो आप महामंत्र का सभी मेरे साथ कीर्तन करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. चलिए एक बड़ा प्यारा सा भजन गाएंगे सभी मिलकर. रास मंडल में मैं बैठा हुआ, यहीं पर श्री ठाकुर जी रासलीला करते हैं. प्यारा सा सुंदर सा भजन आप सभी ने सुना है, चलो मिलकर गाते हैं. एक्चुअली मैं कैमरा भी पकड़ रहा हूँ, सुर का भी ध्यान रखना है. ये तो सुर की ही गलियाँ हैं. यहाँ पर श्री हरिदास जी ने तानसेन को भजन और संगीत सुनाया था, अपने सुरों से ही, अपने संगीत से ही श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी लाल जी को प्रकट किया था. यहाँ पर अगर नहीं गाएंगे तो कितनी मूर्खता होगी. यहाँ पर आप जब भी आए श्री वृंदावन धाम में, निधिवन में, इस रास मंडल में बैठ कर जहाँ पर ठाकुर जी ने रासलीला करी थी, प्रेम से भजन जरूर गाइएगा. चलिए. फूलों में सजे रहे हैं, या चारों तरफ फूल लगे होते हैं, मंजरियां लगी होती हैं, है ना. श्री वृंदावन बिहारी
फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रही है टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से बिन मोल बिक गए हैं बिन मोल बिक गए हैं वो जब से छवि निहारी फूलों में सज रहे हैं भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते हो भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते सबको ही प्यारे लगते सबके मन को लुभाते इन दोनों पे मैं सदके जय जय श्री राधे श्री राधा श्याम सुंदर की जय ओ इन दोनों पे मैं सदके ए सदके इन दोनों पे मैं सदके ओ इन दोनों पे मैं वारी फूलों में सज रहे हैं। तो यहीं पर श्याम सुंदर श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार करते हैं अपने हाथों से और राधा रानी यही रंग महल से निकलकर आती हैं। ललिता और विशाखा सखी और अष्ट सखियां उनको इस सिंहासन पर जहां पर मैं बैठा हूं यहां पर उनको विराजित करवाते हैं। 16108 गोपियां जो अभी वृक्षों के रूप में यहां पर उपस्थित हैं रात के समय गोपियों का रूप धारण कर इसी स्थान पर क्या करते हैं ठाकुर जी क्या करते हैं रास लीला करते हैं रास रचाते हैं। बोलो रास रचैया की जय कृष्ण हरी लाल की जय हो। तो श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूं क्या उसकी इतते गुलाबी पटका ओए इतते गुलाबी पटका उत पे गुलाबी साड़ी फूलों में सज रहे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भैया यहाँ पर सारे घूर रहे हो है लेकिन हम तो अपनी मस्ती में ठाकुर जी की मस्ती में नाच रही हो है। इट्स नॉट सो इजी मैन सो मेनी पीपल स्टेरिंग एट यू एंड लुकिंग एट यू लाइक दिस क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है। अपने भक्त तो अपने ठाकुर जी की मस्ती में हो गए हमारा तो प्यारोसा न्यारोसा ठाकुर जी है और कारोसा कारोसा न्यारोसा और प्यारोसा लालन हो वृंदावन में तो मस्ती मस्ती ठीक है। चलिए अब मैं आपको श्रीमती राधा रानी के दर्शन कराता हूँ। पूरे संसार में केवल एक मंदिर जहां पर राधा रानी ने बांसुरी पकड़ी हुई है और वो भी कृष्ण की बांसुरी चुरा ली और अपने पास रख ली। दर्शन कराता हूँ आपको लाइव। गोविंद कृष्ण दास क्या बात कर रहे हो यार। वो अंदर शायद चलो चलते हैं।
निष्ठा भाव सेवा करते हैं। और श्री किशोर जी देखिए आगे आप साथी सभी में ये फोटो लेना मनाए हुए जी 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 जय जय श्री राधे। इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट अलाउड। यहाँ पर सामने किशोरी जी ने क्या किया हुआ है, अपने हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल दाएं बाएं जाना पड़ेगा, यहाँ पर अलाउड नहीं है। इतने आसानी से नहीं मिलेंगे आपको दर्शन। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सामने जो है किशोरी जी ने अपने हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई है और उनका नाम है वंशी चोरी। वंशी चोरी राधा रानी, बड़ी प्यारी लग रही है हमारी राधा रानी। पिंक ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है। फोटो अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है। तो मैं आप मेरे माध्यम से आप दर्शन कर लीजिएगा। हमारी ठकुरानी, हमारी किशोरी जी ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है और उन्होंने ठाकुर जी की बांसुरी चुरा ली है, इसलिए उनका नाम है वंशी चोरी राधा रानी। वंशी चोरी राधा रानी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि राधा रानी ने देखा कि यार ये जो बांसुरी है, ये जो वंशी है, ये जब देखो मेरे श्याम सुंदर के होटन पर क्या होता है, चिपकती रहती है। ये तो मुझसे भी ज़्यादा क्या होती है, श्याम सुंदर के साथ रहती है। उन्होंने ठाकुर जी की बांसुरी चुरा ली, ठीक है। और रंग महल मैंने आपको, हाँ जी, चुराई ही बोला है मैंने, चुराही बोला है मैंने, चुराही बोला है मैंने। तो रंग महल से जब मैंने आपको दर्शन कराया था, वहीं पर ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी रखी हुई थी और किशोरी जी ने वो उसको चुरा ली, इसलिए नाम पड़ो है वंशी चोरी राधा रानी। दर्शन अलाउड नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट मामलो है। हमारे ब्रजवासी यहाँ मना कर रहे हो, तो फटाफट से यहाँ से साइड से निकल जाते हैं और फिर श्री हरिदास जी के समाधि के दर्शन करेंगे। बोलो श्री वंशी चोरी श्री राधा रानी की जय हो। चलिए, नहीं 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 दिखा रहे, मैं वैसे गलत बोल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, जो हो रहा है ना प्रभु जी, यहाँ नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है ये, वो देखो दर्शन, आप आगे बढ़ाओ, दर्शन हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। ले आगे लेके जा, मैं दर्शन तो कर लूँ। नेक जय हो। दो भैया तुम तो बोलोगे नहीं, मैं आपकी ओर से कराया हूं दर्शन वंशी चोरी श्री राधा रानी का। उन्होंने प्रेम से राधा रानी जी के चरणों का तिलक भी लगाया है, तो आप सभी की ओर से मैंने प्रणाम किया है। लेकिन आप जब निधिवन आए जरूर दर्शन करना, बहुत ही प्यारी है किशोरी जी ने ऐसे बांसुरी पकड़ी हुई है छीन कर हमारी श्याम सुंदर की। यहाँ पर आप देखिए माताएं क्या कर रही हैं, निधिवन में झाड़ू लगा रही हैं। ये सारे के सारी गोपियां हैं और जब तक हम गोपियों के चरणों की रज नहीं लेंगे, तब तक हमें कृष्ण तो बहुत दूर की बात है, हम तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। गोस्वामियों ने भी कहा है, गोपीर भृत्य पद कमलयो दास 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 अनुदास। गोपियों के दास के दास के दास के दास बनने का प्रयास करो, तब जाके भक्ति समझ में आने वाली है। श्रीमंत कुंज बिहारीणे नमः। तो यहाँ पर श्री हरिदास जी की समाधि है। श्री हरिदास जी ने स्वयं अपने संगीत के माध्यम से श्री बांके बिहारी लाल जी को प्रकट किया था। इसी स्थान पर श्री हरिदास जी ने अपनी लीला समाप्त करी थी और इस धरातल से वापस गोलोक गए थे। श्री हरिदास जी स्वयं ललिता सखी के क्या नाम है अवतार माने जाते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास की जय। यहाँ पर आप देख सकते हो निधिवन में
अनेकों अनेक संत रसिक वैष्णवों की ये समाधि है। यहाँ पर आप दर्शन करें, प्रेम से प्रार्थनाएं करें, ठाकुर जी से निवेदन करें, बांके बिहारी लाल जी से निवेदन करें कि आपको भी निधिवन के दर्शन जल्द से जल्द सुलभ हो, वृंदावन धाम में आप जल्दी से आ पाएं। इन वृक्षों की, जो सिर्फ वृक्ष नहीं है, साक्षात गोपियां हैं, 16108 गोपियां हैं, संत हैं, ऋषिगण हैं, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों साल तक तपस्या करी है ताकि वो इस स्थान पर आकर पत्थर बन सकें, रज बन सकें, है वृक्ष बन सकें, लताएं पताएं बन सकें, ताकि वो ठाकुर जी की क्या करें, रासलीला में पार्टिसिपेट कर सकें, उसका आनंद उठा सकें। सच ए मिस्टिकल प्लेस निधिवन, वाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं आपका दास गोविंद कृष्णदास GKD। पूरा प्रयास किया मैंने आपको कि आपको निधिवन के बड़े प्रेम से, आनंद से, बड़े सरल दर्शन आपको हो जाएं। और आई एम सॉरी कि आपको श्रीमती राधा रानी के दर्शन नहीं हो पाए, उन्होंने हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई है, बंसी चोर राधा रानी के। आई एम रियली सॉरी, आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर भी मैं सारे संतों का, वैष्णवों का, मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम उन्होंने अंदर हमें प्रवेश तो करने दिया। गुरु महाराज की कृपा के कारण, उनकी कृपा के बिना, गोस्वामी जो कि कृपा के बिना, यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी जी, श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर गोस्वामी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी, गौरकिशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के बिना कोई भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। मैं अपनी माता पिता की कृपा के कारण ही इस समय यहाँ पर खड़ा हूँ निधिवन के बहुत ही अद्भुत, बड़े ही रोचक, बड़े ही मधुर, बड़े ही बहुत ही माधुर्य दर्शन आप सभी को मैंने कराने के प्रयास किए हैं। यदि मुझसे कोई अपराध हो गए हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। निधिवन जैसे पवित्र मंगलमय उत्कृष्ट स्थान में आके बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, तो इस मूर्ख इस दास की क्या सामर्थ्य है कि मैं आपको कुछ ठाकुर जी के बारे में कुछ सुना सकूं। ये श्री जी का निजी निवास स्थान आप बोल लो आप। किशोरी जी यहाँ पर सजती हैं, 16 श्रृंगार उनका यहाँ पर होता है, ठाकुर जी अपने हाथों से उनको सजाते हैं, बांके बिहारी जी प्रकट होते हैं श्री हरिदास जी के हृदय से, सब यहीं पर होता है। पूरा संसार बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने जाते हैं, यहाँ ही पर तो बांके बिहारी लाल जी प्रकट भए हैं। किशोरी जी ठाकुर जी की बंसी भी चुराती हैं यहाँ पर, और नित्य प्रतिदिन रात को रासलीला, श्री रास रचैया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहीं पर निधिवन में क्या करते हैं, रास रचाते हैं। और एक बात और सुन लीजिएगा, बहुत लोग जो बोलते हैं ना कि रात को यहाँ पर आने से आंखें खराब हो जाती हैं, व्यक्ति गूंगा हो जाता है, व्यक्ति मर जाता है, यहाँ पे गोस्वामियों ने कहा है कि इतनी तो मर्यादा खुद ही होनी चाहिए कि अगर आप मान लो कोई हस्बैंड और वाइफ जब आपस में जब बात कर रहा होता है, जब मिल रहा होता है, तो वहाँ पर प्राइवेसी चाहिए होती है। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण, जैसे ये रासलीला का ये अति पावन, अति मंगलमय, अति पवित्र स्थली है, यहाँ पर तो वो बता रहे थे कि बंदरों में भी इतनी अकल है, जब ठाकुर जी रासलीला प्रारंभ करते हैं तो बंदर भी नहीं दिखते हैं। अभी आपने देखा होगा जब मैं लाइव कर रहा था तो सारे के सारे बंदर ऊपर चढ़ने को हो रहे थे, इतनी तमीज तो उनमें भी है कि वो भी यहाँ से चले जाते हैं। तो इसलिए इस स्थान को बिल्कुल सील कर दिया जाता है, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है 7 बजे के बाद। कहा ऐसा भी जाता है कि स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव जी निधिवन के बाहर खड़े होकर इस निधिवन को गार्ड करते हैं कि कोई अंदर प्रवेश ना कर पाए। रंग महल में 9 ताले लगते हैं, और सुबह जब
पुजारी जी आते हैं तो उनको वो ताले खुले मिलते हैं, ठाकुर जी का टूथ ब्रश वहाँ पर होता है, लड्डू खाए हुए मिलते हैं, है ना, पान आधा खाया हुआ चुबाया होता है, श्रीमती राधा रानी के 16 श्रृंगार जो वहाँ पर रखे जाते हैं वो इधर उधर बिखरे होते हैं। सो दिस इज अ वेरी मिरेकल प्लेस निधिवन, वे श्री कृष्ण एंड श्रीमती राधा रानी एवरी सिंगल डे आर परफॉर्मिंग देयर लीलास, रास लीलास एंड वेरियस अदर काइंड ऑफ लीलास इन द ग्रोव्स ऑफ श्री वृंदावन निधिवन। जय जय श्री राधे। आपका दास गोविंद कृष्ण दास, मिलता हूँ जल्दी, अपडेटेड रहिए, कीप ऑन चेकिंग आउट माई पोस्ट, कीप ऑन चेकिंग आउट माई अपडेट्स, कब किस समय मैं लाइव आ रहा हूँ, बिकॉज आई एम गोना ब्रिंग यू रेयर मीन्स वेरी रेयर स्पेशल दर्शन। बड़ी मुश्किल से ये दर्शन पॉसिबल होते हैं, आप लोग आराम से चकाचक घर बैठे बैठे कर रहे हो। राधे 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 राधे। चलो ठीक है जी, तो इट्स 5 o'clock, गोपेश्वर महादेव के दर्शन होंगे अभी खुले, किसी को पता है, एक बार पूछ के आना जरा बाहर, मैं ट्राई करता हूँ, सिंस यहाँ पर हम आ ही चुके हैं निधि वन में, और यहीं पर भगवान शिव जी गोपी बने थे ठाकुर जी के रासलीला का दर्शन करने के लिए, प्रयास करता हूँ कि गोपेश्वर महादेव की भी दर्शन मैं आपको करा दूँ फटाफट। तो आप जस्ट स्टे अलर्ट, कभी भी मैं लाइव आ जाऊँगा, मैं ट्राई करूँगा, पहले 15 ट्राई ज़रूर करूँगा कि मैं आपको कम से कम बता तो दूँ कि अगला लाइव कब आएगा, कब आएगा। ठीक है, तो अभी बज रहे हैं 5:30 बजे, मैं गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन आपको करा दूं, कल करा दें। चलो ठीक है, अभी कुछ बता नहीं सकते बिकॉज यहाँ पर अपने हाथ में कुछ नहीं होता है, सब कुछ राधा रानी जी के हाथ में है, जरूर अपडेट मिलती रहेगी, ऐसे लाइव आने वाले आपके पास आप सोच भी नहीं सकते हो, बोला था ना शुरुआत है, 1 लाख फैमिली होगी हमारी, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, अभी तो सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी सेवा में ही हूँ, दर्शन दे रहा हूँ, अभी तो टॉक्स करेंगे हम, ट्रैक्स, ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ मन्ने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, टॉक्स करेंगे, ट्रैक्स गाएंगे नए नए, और ट्रैवल करेंगे पूरी दुनिया में, दर्शन दिखाएंगे, आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे फ्रॉम श्री वृंदावन धाम, आपका अपना GKD गोविंद कृष्णदास। अच्छा एक बात बताओ, राधा रानी और हमारे श्री कृष्ण की कल शादी करवाई, आपको दर्शन कराए कि कहाँ पर उनकी शादी हुई थी, विवाह कहाँ हुआ था, भांडीर वन, बोलो श्री भांडीर बिहारी लाल की जय। कल भांडीर बिहारी लाल जी और आज श्री बांके बिहारी लाल जी के प्रकट स्थली, आनंद आ रहे हो है, आ रहे हो नहीं आ रहे हो, बताओ बताओ बताओ, खूब आनंद आ रहे हो है, नहीं, राधे राधे, सब मेरे माता पिता की कृपा के कारण हो रही हो भैया, श्रील प्रभुपाद की जय। जी के लिए